हेलो। हाँ भाई, तेरा भी YouTube चैनल ग्रो होगा। थोड़ा सा सब्र रखो यार, थोड़ा सा सब्र रखो। जब तक YouTube ने नहीं दिया नहीं दिया, जब से YouTube ने देना स्टार्टिंग कर दिया ना, कसम से बोल रहा हूँ, तू रख नहीं पाएगा। YouTube इतना देगा ना, मत पूछो, करोड़पति बना देगा। सो गाइज, अगर आप एक क्रिएटर हो तो गाइज इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नींबू बेचने वाला अभी करोड़पति बन गया, लखपति बन गया यूट्यूब से। जी हाँ गाइज, मैं इस वीडियो पर रियलिटी बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर कितना ज़्यादा पैसा है। अगर आप यूट्यूब पर लगे हुए रहते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, पैसेंस रखते हो, सब्र रखते हो, तो आपको यूट्यूब ने जब तक नहीं दिया नहीं दिया, जब से देना स्टार्टिंग कर दिया ना यूट्यूब ने, तब तक आप तब से रख नहीं पाओगे, इतना देगा YouTube। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। सो गाइज, बेसिकली सभी लोग बोलते हैं कि भाई मेरा YouTube चैनल कब ग्रो होगा, कब ग्रो होगा, कब ग्रो होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे तो नॉर्मली मैं आपको एक भाई से, मतलब भाई को बताने वाला हूँ कि एक भाई है मोंटी व्लॉग्स, उनका यूट्यूब चैनल है। वो क्या करते थे, पहले ट्रेंस पे जाके नींबू बेचा करते थे, ट्रेंस में जाके कभी फुटपाथ पे नींबू बेचते थे, कभी ट्रेंस में जाके नींबू बेचा करते थे। लेकिन वही क्या हुआ, उनको कहीं से YouTube के बारे में पता चला, YouTube के बारे में नॉलेज हुआ कि यार YouTube से भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, एक YouTube चैनल ओपन करा मोंटी व्लॉग्स के नाम पर। अब उन्होंने, उनका तो बोलने का एक्सपीरियंस बेसिकली हो गया था नींबू बेचते बेचते। बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो घर में रहोगे या फिर बोलोगे कि जो अपने अंडर में रहोगे, उसको बोलने चलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा बाहर जाके, ठीक है। वहीं आप कहीं और, मतलब जैसे ट्रैवल करोगे या फिर कहीं इधर उधर जाओगे, ट्रैवलिंग करोगे, तो आप बोलने में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा सा आपका माइंड खुलेगा। तो वहीं मोंटी भाई के साथ हुआ, क्या किया उन्होंने, नींबू ऐसे बेचा करते थे नॉर्मली ट्रेंस पर, फुटपाथ पे। तब अब उन लोग, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने व्लॉग चैनल स्टार्टिंग किया मोंटी व्लॉग्स के नाम पे, ठीक है। मोंटी व्लॉग्स के नाम पे एक चैनल स्टार्टिंग किया। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रिव्यू जो होती है, न्यू बाइक्स होती है, न्यू कार्स होती है, या फिर सेकेंड हैंड कार्स होती है, सेकेंड हैंड बाइक्स होती है, उनका उन्होंने क्या किया, शोरूम्स पे जाके उनका इंटरव्यू लेने लगे मालिक से कि भाई साहब आप कैसे बाइक्स देते हो, आप कैसे कार्स प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को। एंड उन्होंने क्या किया, थंबनेल पे कुछ यूनिक थंबनेल लगा दी। थंबनेल पे क्या लगा दी कि यहाँ से सबसे सस्ती कार खरीद सकते हो, यहाँ से सबसे बाइक सस्ती खरीद सकते हो, कुछ इस टाइप की क्लिकबेट थंबनेल लगाकर उन्होंने यूट्यूब वीडियो स्टार्टिंग कर दिया क्रिएट करना। एंड देन अभी उनके यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट टाइम में 3 मिलियन के करीबन सब्सक्राइबर्स होने को है। जी गाइस, कैसे एक नींबू बेचने वाला, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब तक आप YouTube पे काम कर रहे हो, आप YouTube को भी दिखा दो कि यार मेरे अंदर भी पैसेंस है, मेरे अंदर में भी YouTube का जुनून है। अपने इस काम को, अपने इस कर्म भूमि को कभी भी मत छोड़ना। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो, तो कभी नहीं। अगर एक नींबू बेचने वाला ये कर सकता है, यूट्यूबर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं भाई साहब, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। सो गाइज, अगर आप एक क्रिएटर हो तो कभी भी ये मत सोचना कि यार मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। जब एक नींबू बेचने वाला ट्रेंस पर नींबू बेचा करता था, 150 से 100 रुपया, 200 रुपया उनकी डेली की इनकम होती थी, आज वो महीना का लाखों कमा रहा है, कैसे, यूट्यूब से। सो गाइज, यही है एक जानकारी, एक रियलिटी। अगर आप एक क्रिएटर हो, जब तक यूट्यूब ने नहीं दिया नहीं दिया, जब से YouTube ने देना स्टार्टिंग कर दिया ना भाई साहब, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, इतना देगा YouTube, रख नहीं पाओगे, ठीक है। सो गाइज, अगर आप एक क्रिएटर, तो कभी नहीं अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म को छोड़ना। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि कभी मत छोड़ना, कि इसका मतलब क्या डेली 24 घंटा लगे रहो, और भी काम है, ठीक है। लेकिन इसको पार्ट टाइम में एज ए करियर के तौर पर, जब उसको एज ए करियर के पार्ट टाइम पर लो, ठीक है, एज ए करियर के तौर पर पार्ट टाइम पर लो, ठीक है। ऐसे 24 घंटा ऐसे मत करना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो बेसिकली दे सकते हो। सो गाइज, यही है जानकारी। अगर आप एक क्रिएटर हो तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, अपने एक कैटेगरी वाइज, जिस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉग से रिलेटेड, जिसमें आपका हॉबी है, उससे रिलेटेड वीडियो क्रिएट करो, आपका 110% आपका चैनल ग्रो होगा। और जिस दिन YouTube ने दिया ना भाई साहब, छप्पड़ फाड़ के देगा, मैं लिख के देता हूँ। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मोटिवेट हो गए इस वीडियो से। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और इस भाई को प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट दिखाना, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पर।